दोस्तों रणबीर कपूर के फैंस की कमी नहीं, फैंस जब भी रणबीर से मिलते हैं उनके साथ फोटो खिंचवाने का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। लेकिन हाल ही में न जाने ऐसा क्या हुआ कि रणबीर कपूर के साथ सेल्फी लेने आए एक फैंस के हाथ से उन्होंने मोबाइल छीना और सीधा पीछे फेंक दिया। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। नेटिजन इस वीडियो को लेकर बड़े ही दिलचस्प रिएक्शन भी दे रहे थे, लेकिन अब इस वीडियो की पूरी सच्चाई सामने आ गई है। फोन पीछे फेंकने के बाद रणबीर कपूर अपने फैंस के साथ क्या करते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट में साफ साफ दिखाई दे रहा है। यह वायरल वीडियो वीरल भवानी के इंस्टाग्राम पेज से शेयर किया गया था। वीडियो में एक फैन रणबीर कपूर के साथ सेल्फी लेने के लिए आता दिखाई देता है। रणबीर हमेशा की तरह चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसके साथ पोज किया और सेल्फी लेते दिखे, लेकिन जो फोटो क्लिक की गई शायद वह फैंस को पसंद नहीं आई और फैंस ने रणबीर कपूर के साथ दूसरी सेल्फी भी ली। दूसरी सेल्फी लेते समय भी रणबीर कपूर के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देती है और वह पोज भी करते हैं, लेकिन उसके बाद ही न जाने ऐसा क्या हुआ रणबीर पहले अपने फैंस के हाथ से मोबाइल लेते हैं। उस समय रणबीर को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह सेल्फी को देखने के लिए फैंस के हाथों से मोबाइल ले रहे हैं। फोन लेने के तुरंत बाद ही वह लाल रंग के इस फोन को पीछे की तरफ फेंक देते हैं। इससे सेल्फी लेने आया उनका फैन हक्का बक्का हो जाता है। इस वीडियो का दूसरा पार्ट अब सामने आ गया है जिसमें यह साफ साफ दिखाई दे रहा है मोबाइल फेंक देने के बाद रणबीर कपूर अपने फैंस के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। दरअसल यह एक मोबाइल कंपनी का विज्ञापन है। वायरल वीडियो के दूसरे पार्ट में रणबीर कपूर अपने फैंस को नया फोन देते हैं। इस ब्रांड का रणबीर कपूर खुद प्रमोशन करते हैं। दूसरे वीडियो को भी वीरल भवानी के इंस्टाग्राम पेज से ही शेयर किया गया है। दूसरे वीडियो वहाँ से शुरू होता है जहाँ रणबीर कपूर अपने फैंस का मोबाइल पीछे की तरफ फेंक देते हैं। फोन फेंक देने के बाद जब उनका फैन हैरानी से पीछे की तरफ देख रहा होता है उसी समय रणबीर कपूर अपने पीछे खड़े एक इंसान से नया फोन लेकर अपने फैंस को देते हैं और नए फोन से फिर सेल्फी खिंचवाते हैं। दोस्तों आप इस विज्ञापन के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं आप हमें नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ताजातरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।